कैसे हैं सभी। मैं हूं आलोक शुक्ला और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल परीक्षा प्लस में। तो जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्लास में मैथ्स की क्लास में देखे थे प्रीवियस ईयर परसेंटेज चैप्टर से, आज फिर से हम प्रीवियस ईयर टॉपिक को कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि एग्जाम का कैसे पैटर्न है। तो किस एग्जाम की बात कर रहे हैं हम यूपी ट्रिपल एससी की उन विभिन्न परीक्षाओं की बात कर रहे हैं जिनकी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं। उसमें सबसे पहले जो आपका है वो है लेखपाल। तो लेखपाल को ज्यादा फोकस में रखते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको बता दूं कि जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए इन सारी क्लास का, जो रमन सर आपका जीएस पिस लेके आते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ इनके प्रैक्टिस सेट के, रीजनिंग सर, अले सर, आशीष सर पढ़ाते हैं वो हिंदी, रमन सर लेके आते हैं उसका, तो रीजनिंग का, हिंदी का, मैथ्स का, जीएस का, सबका पीडीएफ 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 3 महीने तक लगातार 4 से 5 पीडीएफ मिलती रहेंगी। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मात्र 499 रुपए प्राइस है, मतलब कि 3 महीने में 500 पीडीएफ लगभग आपको मिलेगी। तो एक पीडीएफ का दाम 1 रुपए आएगा, तो 1 रुपए पीडीएफ के हिसाब से आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैसे है, हम उसे लगाने का तरीका क्या हो सकता है, कहां पे हम अपना समय बचा सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर हो सकता है, ये सारी चीजें हम इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे। क्वेश्चन हम कवर करेंगे 10, यानी 10 का दम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा, मैं आपको सॉल्यूशन कराता रहूंगा, है ना, ये तब तक चलेगा जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाता, कंफर्म है। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, लाइव इंटैक्ट हम लोग करेंगे, लेकिन तब तक करिए। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन के सामने है और कह रहा है कि तेल का दाम 25% बढ़ गया, कोई परिवार कुल उपयोग को कितने प्रतिशत कम कर दे कि कुल बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए प्रोसेस सही रहेगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप पॉज लीजिए, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। अगर आपसे लग जाता है तो समझिए बहुत अच्छी बात है, आप पहले से तैयारी करके आ रहे हो और आपको थोड़ा सा ही मेहनत और करना है। अगर नहीं लगता है तो घबराने की एकदम बात नहीं है, मैं हूं और ऐसे 100 तरीके आपके सामने लेके आऊंगा जहां पे आप सबसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो कह रहे कि तेल का दाम 25% बढ़ गया है और अब परिवार का कुल उपयोग कितना कम कर दिया जाए कि उसके कुल बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। समझिए सिंपल सी बात है, मान के चलिए कि पहले अगर हम राइस की बात कर ले, चावल की बात कर ले, कि महीने में 5 किलो लगता था, अभी अगर इसका दाम बढ़ जाए, 25% की बात कर रहे हैं, है ना, 25% की बात कर रहे हैं, दाम इसका 25% से बढ़ जाए, सपोज करिए पहले अगर 50 रुपए का मिलता था तो 50% का 25% बढ़ जाए, आगे पास 12.5 रुपए और बढ़ जाए। तो बोल रहे कि दाम 25% बढ़ जाने से अब दाम बढ़ गया है, तो भाई जो 5 किलो पहले 50 का तो कितने का, 250 का मिलता था, अब 250 में 25% और ज्यादा जोड़ेगा, है ना, तो वो लगभग 300 के पास जाएगा। अब वही 5 किलो चावल आपका कितने में मिलेगा, 300 रुपए के आसपास मिलेगा। तो कह रहे उपयोग को कितना कम कर दिया जाए कि जो कुल खर्चा था अगर पहले 250 था तो अभी भी 250 हो, तो उसके लिए ये आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन लगाने का तरीका देखिए बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए कि पहले उसका जो कुल कंजप्शन था वो कितना था, 100 था, जो भी बढ़ेगा कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो हम उसे 25 जोड़ के इधर लिख देंगे, बात समझ में आ रही। उसके बाद इसी का रिवर्स ऑर्डर कर लेंगे, 125 और 100। अभी समझिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा इंसॉल्ट बताऊंगा, इसकी हम डिटेल क्लास करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, अभी आप केवल प्रोसेस को समझिए। तो 100 रुपए था किसी चीज का दाम बढ़ के 125 हुआ और उस 125 बढ़े हुए दाम को हमें फिर से 100 रुपए पे लेके आना है, यही तो करना है। तो हो गया है 125, लाना है सम पे, 100 पे कितना कम करोगे, 25, कहां से लेके आओगे, 125 से गुणे 100, यही तो आपका आवश्यक परसेंटेज पूछ रहा है। तो 25 बटे 125, 25 पंचे 125 और ये कितना जाएगा, 20%, यानी कि अगर उपयोग को 20% कम कर दिया जाए तो उसके कुल बजट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको बताता हूं, जब भी कोई चीज घटे या बढ़े, कोई भी चीज, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं आपको हर परीक्षा में, कोई भी किसी भी आयोग की सिंगल ऐसी परीक्षा नहीं बची है जहां पे ऐसे टाइप के प्रश्न ना पूछे जाएं, और बच्चे इसमें तब भी समय लगा देते हैं, लेकिन समय लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बताता हूं, कोई भी चीज बढ़े या ना बढ़े, सबसे पहले 100 मानेंगे, यहां पे 25% था, मैं मानता हूं कि 20% बढ़ जाए तो बढ़ के 120 हो जाएगा, कितना कम कर दिया जाए कोई फर्क ना पड़े, तो इसी को बस रिवर्स कर लो, 120 और यहां पे 100 पलट दो एकदम, तो 120 से 100 20 का अंतर, नीचे हमेशा ये वाली वैल्यू आती है गुणे 100, यही आपका उत्तर हो जाएगा। हम सपोज करें 20% कम हो गई तो ये कम होगी कितनी हो जाएगी, 80, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो 80 यहां पे आ जाएगा 100, कितना अंतर है भाई 20 का, किस रिस्पेक्ट में, 80 के, हमेशा ये वाली वैल्यू आती है गुणे 100,
ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के प्रश्न हमेशा तुरंत लगाइए, मुश्किल से 7-8 सेकंड में इसका उत्तर आ जाएगा। जितनी तेज आप कैलकुलेशन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, निर्भर उस पे करता है, बाकी कॉन्सेप्ट जिसका है बहुत ही ज्यादा आसान है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी के हुए। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ दे रहा हूं, साथ साथ में दोनों लोग का काम आसान हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x के आधे का 25% 1/4 y के 30% के मूल्य के 2.5 गुना के बराबर है, तब x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए, TCS का क्वेश्चन है, TCS के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो आपको क्या किया है, कंफ्यूज किया है। और अगर आप UP SSC से थोड़ा भी वाकिफ हो, एक दो भी पेपर दिए होंगे अपनी जिंदगी में UP SSC आयोग का, तो इतना पता चल गया होगा कि UP SSC आपकी भावनाओं के साथ कितना अच्छे से खेलता है। वो क्वेश्चन को साधारण तरीके से ना पूछ के घुमा के पूछता है, सेम यही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन फिर आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे लेके आया हूँ आपके सामने। तो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप पहले लगाना चाहें तो पॉज करके लगा के देख लीजिए, वरना मैं बताता हूं। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या कह रहा है कि एक्स के आधे का 25% एक्स है, एक्स का आधा इतना होगा, इसका 25% y अपॉन 4 इंटू 30 अपॉन 100, ये आपका इक्वेशन बनेगा। तो अगर हम यहां पे कटे तो ये 1/4 हो ही जाएगा आराम से। ये कितना हो जाएगा, 4 यहां से कट जाएगा और 2 यहां जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5y इंटू 3 अपॉन 100, 3/10, 0 कट जाएगा। तो यहां पे कट करेगा कितना हो जाएगा, 2, यानी x बराबर आ जाएगा 3y अपॉन 2। तो हम बोल सकते हैं कि जो x है या x और y में रिलेशन है वो 3/2 है। साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि कितना ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम यहां पे कर सकते हैं। तो x अपॉन y माइनस 1 बराबर 3/2 - 1, यानी कि भाई दोनों तरफ 4-1 माइनस कर सकते हैं आराम से। ये x माइनस y अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा निर्धारित परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 50%। परसेंट लगाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। बात समझ में आ रही है, जब भी परसेंटेज लगाना होगा तो 100 से गुणा, परसेंट हटाना होगा तो 100 से भाग। ये सारी चीज हम परसेंटेज के डिटेल चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 50% जो एक्स है वो वाई से क्या है, ज्यादा है। हम इसे यही भी देख सकते थे, अभी देखिए ये 3/2 लिखा है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y + y/2, है ना। अगर ये ना होता तो हम बोलते हैं x और y क्या है, बराबर है, लेकिन इसमें y अपॉन 2 और ज्यादा है, यानी x जो है वो y से कितना ज्यादा है, y अपॉन 2 ज्यादा है। y अपॉन 2 मतलब क्या, y का 50%, तो x कितना ज्यादा है, सीधा 50% ज्यादा है। डायरेक्ट सोच भी सकते थे, उसे लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपके इजी के लिए बता दिया। चलिए बिना देरी किए हुए हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप क्वेश्चन पढ़िए, हम भी साथ में पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्याओं से कम 37% और 37% कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। बोले कोई दो संख्या है, वो तीसरी संख्या से, पहली और दूसरी संख्या, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, है ना, पहली और दूसरी संख्या जो है वो क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से। मैं मान लेता हूं पहली संख्या, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कितना है, 30% कम है। तो अगर मान लो तीसरी 100 है तो फर्स्ट संख्या क्या होगी, 70 होगी, क्योंकि 30% कम है। ऐसे अगर वो 100 है तीसरी संख्या, तो सेकंड नंबर क्या होगा बताओ भाई, 37% कम है तो कितना हो जाएगा, 67, आराम से 67% हो जाएगा, है ना, सॉरी 63%, कितना हो जाएगा, 63% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 37% कम है। अब देखिए, एक 70 है वैल्यू और दूसरी 63 है, बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो पहली है 70, दूसरा है कितना, 63, लेकिन वो कितने से बोल रहा है, परसेंटेज में मांग रहा है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 70 - 63/70 × 100, यानी कि 7/70 × 100, यानी कि क्या आ जाएगा, 1/10 × 100, यानी कि सीधा 10%। आसान था, तो ऐसे हम क्वेश्चन लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन हमें आसान मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें टफ मिल जाते हैं। आसान वाले को हम और आसानी से लगा देते हैं ताकि हमारा समय बच जाए, और टफ वाले को पहले एग्जाम में स्किप करके चलते हैं, राउंड 2 में आते हैं जब हमारे पास समय बचता है तब लगाते हैं, और यही होता है परीक्षा में सही रणनीति आपको मैथ्स का पेपर लगाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी आते हैं स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी की तुलना में 10% अधिक अंक प्राप्त किए, ए है
कोई परीक्षा हो रही है उसमें 10% अंक ज्यादा पा रहा है, किससे साथ साथ लिखते चलते हैं, ए बी से 10% ज्यादा पा रहा है, हम अगर बी को 100 मान लें तो ए कितना पा रहे भाई 110, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, जरूर बोलोगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि जो बी है, पढ़िए, कह रहे बी ने सी की तुलना में 20% अधिक पाया, अगर सी 100 है तो बी कितना होगा, कितना पा रहे 20% अधिक पा रहे, तो 20% अधिक पा रहे तो 120 हो जाएगा। फिर क्या कह रहे सी ने डी की तुलना में कितना अधिक पाया है 32%, तो अगर हम डी को 100 मान लें तो सी कितना हो जाएगा 32% कम पाया, ज्यादा कम पाया है तो कितना हो जाएगा 32 कम होके आएगा 68। बात समझ में आ गई। अभी देखिए हम हर बार जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसे 100 मान रहे हैं, ये इससे आसान बन जाएगा क्योंकि हम थोड़ा पड़ोसी मेथड लगा देंगे। पड़ोसी मेथड क्या होता है, मैं अभी आपको बताएंगे क्या होता है पड़ोसी मेथड, बहुत अच्छे से मेथड है, रेशियो में उसका यूज होता है, हम इसे रेशियो की यूज से लगाएंगे। अगर परसेंटेज करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, अभी मैं वो भी बताऊंगा क्यों लेंदी हो जाएगा, लेकिन पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो पड़ोसी मेथड एक बार देखते हैं, हमें ए टू बी का रिलेशन यहाँ पे दिखा, बी टू सी का रिलेशन यहाँ पे दिखा और सी टू डी का रिलेशन यहाँ पे दिखा। अब हम एक कंबाइन ए टू बी टू सी टू डी का रिलेशन निकालेंगे और जहां जहां वैल्यू पता है वहां वहां निकाल लेंगे। 110 और 100 00 हटा दे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 00 हटा दे कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे चलिए इसे लिखा दीजिए, ये कट कर लेते हैं, ये 25 हो जाएगा और ये 17 चौके 68 2500। अभी देखिए रख देते हैं, यहां पे ए की वैल्यू क्या है 11, बी की वैल्यू क्या है 10। पड़ोसी मेथड में मैं बता दूं आपको, हम कंबाइन रेशियो निकालते हैं ए टू बी टू सी टू डी और जो वैल्यू हमें पता होती है पहले उसे उसे लिख लेते हैं और यहाँ पे बाकी में ब्लैंक लगा देते हैं। दूसरे में बी और सी पता है तो बी और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे सी और डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे हम 17 लिख लेंगे, यहाँ पे 25 लिख लेंगे, यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। अब क्या कहता है पड़ोसी, क्या कहता है कि हमेशा मदद कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ पे भी वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी, इसका पड़ोसी कौन है 12, इसका पड़ोसी 17 और इसका पड़ोसी है 17, ये वैल्यू हमारी फिल हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए ने सी से 272 अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने सी से 272 अंक प्राप्त किए, ए कितना पा रहा है, ए की जो वैल्यू आएगी वो 11 × 12 × 17 आएगी, ऐसे बी की जो वैल्यू होगी वो 10 × 12 × 17 होगी, ऐसे जो सी की वैल्यू होगी वो 10 × 10 × क्या हो जाएगी 17। तो ये ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है और बोला ए जो है वो सी से कितना अंक ज्यादा पा रहा है, कितना अंक पा रहा है 272 अंक ज्यादा पा रहा है। तो हम देख ले भाई, कंपेयर कर ले, इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो हम एरो लगाएंगे, 17 कॉमन ले ले और 11 × 12 = 132, 10 × 10 = 100, 132 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 32, ये जाएगा कितना 272 के बराबर, कंपेयर कर रहे हैं भाई हम, ध्यान रखिएगा कंपेयर कर रहे हैं 272, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 272/17 × 32। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है 10 × 12 × 17, तो एक बराबर इतना, तो 10 × 12 × 17 बराबर कितना भाई 272/17, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 32 × 10 × 12 × 17 इतना कर सकते हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो मैं आप ऊपर कर दे रहा हूं फिर से, इसके ऊपर ही है देखिए, हाँ हमारा कैलकुलेशन क्या है 272 ये 7 है अपॉन 17 इंटू 32 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 17 यही तो है, ये 17 32 यहां पे गुणा नहीं होगा, यहां पे गुणा होगा, है ना, मैं गलत हो जाता अभी, हाँ ये 32 क्या है नीचे है, 10 × 12 × 17 ये कैलकुलेशन, तो 17 17 तो हमारा यहां पे कट गया, है ना, कर ले 4 8 = 32, 4 3 12 यहां पे हो जाएगा, 8 से इसे करें तो 8 3 24 कितना आएगा 3 32, 8 34 70 सॉरी 34 हो जाएगा,
तो 34 × 3 × 10 यानी कितना आएगा 4 × 3 = 9 यानी 102 और 10 आ जाएगा 1020 आपके क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख ले, अगर क्वेश्चन देखे तो 5-6 लाइन का क्वेश्चन ये, यानी कि कुछ तो लेंदी है आपका, प्लस इसमें दिया है, इस वैल्यू टाइप में दिया है, तो आपको सबसे पहले सारी वैल्यू निकालना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेगा, और UP SSC की यही तो खासियत है, वो आपसे क्या कराएगा, कैलकुलेशन कराएगा, क्या करवाएगा, दिमाग लगवाएगा। तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आसान हो जाएगा। लेखपाल जैसे पेपर, आपका लोअर मेंस जैसे पेपर लगा हुआ है, वो क्या करेगा, आपके दिमाग को तो पहचानेगा। तो कैसे पहचानेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखकर पहचानेगा, और कोई इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यही अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से आ जाए तो, क्योंकि परीक्षा प्लस के द्वारा कराया गया क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और दोबारा फिर पूछा जाएगा, ये बात भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इवन डिजिट भी नहीं चेंज होगी, फिर से बता दे रहा हूं, इसलिए बहुत कान खोल के पढ़िएगा। तो फिर से क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है, यदि एक कार्य का मूल रुपया 1 लाख हो और उससे 10% की दर से प्रति वर्ष में ह्रास हो रहा हो, तो 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य क्या होगा। बोले 1 लाख रुपए है, यहां पर कर दे रहा हूं फिर से मैं, 1 लाख रुपए कार्य का मूल है, आसान सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं यहां पे, 1 लाख रुपए है कार्य का मूल। अब बोल रहे हैं कि 10% हर बार नुकसान हो जा रहा है, तो 10% नुकसान हो जाएगा तो बचेगा कितना, 90%। तो पहले साल में 90% बचेगा, फिर ऐसे दूसरे साल में भी उसका 90% बचेगा, तीसरे साल में उसका 90% बचेगा, चौथे साल में उसका 90% बचेगा, और पांचवें साल में उसका 90% बचेगा। तो सिंपल से ये कैलकुलेशन करनी है, ये कायदे से लिखा है, 1 लाख, लाख में कितना 50, ये 9/10 की पावर पूरा क्या है 5 है, 9 की पावर 5, 9 × 9 × 9 81 × 9 729 आप फिर से कर लो, और यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे 5 बार 0 आएगा तो ये पूरा और ये पूरा तो क्या हो जाएगा कट ही जाएगा। तो आपको 9 की पावर 5 आपको निकालना है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपकी वैल्यू 9 की पावर 5 यूनिट डिजिट से कर सकते हो। ऑप्शन देखो हम कैसे अपना दिमाग बचाएंगे, सारे ऑप्शन में लास्ट में 0 है, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 0 नहीं है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है, 59049, हाँ 59049 यही उत्तर होगा, क्योंकि जब 9 की पावर 5 करोगे तो 0 कहां से आ जाएगा, जब 0 बचा ही नहीं, बात समझ में आ रही। तो ये दिमाग हमें लगाना है, अब देखिए जो क्वेश्चन हो रहे, क्वेश्चन करने का तरीका केवल ये नहीं कि आप बस कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आपको सामदानदंड में सब लगाना है, जब तक आपका फाइनल उत्तर ना जाए तब तक दिमाग लगाना मत छोड़िए। असली योद्धा वो होता है जो दुश्मन जब तक मर ना जाए तब तक झांक के आता है कि देखें सांस रुकी कि नहीं रुकी, यानी कि छोड़ दिया ऐसे बॉलीवुड स्टाइल में, पता लगे पीछे से गोली ठोक दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है, उसके ऊंचाई को कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि कुल आयतन में कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार प्रश्न देखेंगे तो उससे प्यार हो जाएगा, और ना माने तो वीडियो पॉज करिए और लगा के देखिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करेंगे। नहीं विश्वास पड़ रहे पॉज करिए और लगाइए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए मैं सॉल्यूशन बताता हूं क्या है इस क्वेश्चन में, जो लॉजिक है, जो इसने कुछ घुमाने की कोशिश किया है, वो क्या कह रहा है, क्योंकि सिलेंडर है उसके आधार की त्रिज्या क्या हो रही है 20% बढ़ रही है, समझिएगा 100 है तो कितनी हो जा रही है 120, फिर क्या कह रहा है उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आयतन में कोई फर्क ना पड़े। बच्चों ने क्या किया, 100 से 120 और 120 से 100, 20/120 × 100, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/6, यानी 16 सही 2/3 उत्तर लाके उसको करके चले आए। हालांकि मैंने इसमें ऑप्शन में रखा हुआ है, देखो ऑप्शन ए ही है क्या उत्तर, 16 सही 2/3, और जैसे ही पहला उत्तर 16 सही 2/3 मिला टिक मार के चले, लेकिन ये क्या हो गया गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3D फिगर में सिलेंडर में जब आपके कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, और 3 डायमेंशन में त्रिज्या कितनी बार होती है, 2 बार होती है। तो जब त्रिज्या को कितना बढ़ाया गया है 20%, तो कायदे से त्रिज्या कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार बढ़ेगी, तो 2 बार बढ़ेगी सक्सेसिव बढ़ रहा है, तो 20 + 20 × 20 × 100 यानी कि 40 + 4 यानी कि 44%
कुल वृद्धि होगी। अब हम लगाएंगे 100 था तो कितना हो गया 144, तो यहां पे 144 यहां पे 100 यानी कि अंतर 44 का किसके रेस्पेक्ट में 144 के गुणे 100, 4 यहां पे 11 बार जाएगा और यहां पे 4 4 3 12 24 4 6 24 36, फिर यहां पे 9 बार जाएगा, यहां पे कितना होगा 25, यानी 25 गुणे 11 275 सीधा हो जाएगा बटे 9, इसे कट करें तो 30 सही 5/9 उत्तर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बहुत आसानी से ही हो जाएगा, लेकिन बच्चे कहां पे गलती किए, यहां पे गलती किए, बात समझ में आ गई। तो ये हमें गलतियां नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि आखिर क्या टीचर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, समझ में आ रही होगी बात को आपको। चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन पढ़िए, साथ साथ मैं पढ़ दे रहा हूं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 720 मिठाइयों बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। जितने बच्चे हैं कुल उनका 20% प्रत्येक बच्चों को मिठाई मिल रही है और कुल मिठाई कितनी है 720, पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, बस सिंपल सा है। अभी हम मान लें कि टोटल कितनी मिठाइयां हैं, मिठाइयां तो दिया हुआ है, कितना 720 इतनी मिठाइयां हैं, और हम मान लें बच्चे कितने हैं एन, और प्रत्येक बच्चे को कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है उसका 20%, जो टोटल बच्चे हैं उनका 20%, टोटल बच्चे हैं मान लो n, तो n का 20% कितना हो जाएगा, n गुणे 20/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बच्चे को इतना मिल रहा है और कुल बच्चे हैं n, तो इससे अगर हम गुणा कर दें तो हमें कुल मिठाइयों की संख्या प्राप्त हो जाएगी कि नहीं प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इक्वेशन बन गया एन स्क्वायर, 20% था 25% 20% था, तो एन स्क्वायर बटे 5 गुणे 720 यानी एन स्क्वायर बराबर 3600 72 5 360, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 60। ये तो क्या निकला, ये हमारा निकला कि कुल बच्चों की संख्या क्या है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है ना, प्रत्येक बच्चे को, तो मिठाई है 720 और कुल बच्चे हैं 60, तो 720 बटे 60 आपका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, यानी प्रत्येक बच्चे को 12 मिठाई मिल रही है। अच्छा सा क्वेश्चन था, चलिए फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितनी वृद्धि होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे क्या कराया है, ये आपसे कैलकुलेशन कराएगा, कितना भी दिमाग लगा लीजिए पेन तो उठाना पड़ेगा और वो भी अच्छे से उठाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू भी अप्रोक्सीमेशन में पूछा है और 1 दशमलव अंक तक, ध्यान दीजिए ब्रैकेट में, फिर भी वो कितना भी दिमाग लगा ले, दिमाग हमारे पास भी है, लगाते हैं कैसे दिमाग भाई, को क्या बोला है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, हमने मान लिया मोनिका कमाती है 100 रुपए, है कोई छोटी सी नौकरी कर रही है, कितना कमा रही है 100 रुपए कमा रही है, उसका क्या कर रही है 72% खर्च कर देती है, 100 में 72 अगर खर्च कर देगी एक्सपेंस हो जाएगा तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, बचत कितनी हो जाएगी 8 80 यानी कि 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 72 और 28 कितना 100। अब 28 अगर इसका सेविंग हो गया, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, ये तो इनकम पहले थी, अभी इनकम दूसरी, मान लो कंडीशन दिया कि वृद्धि हो जाए कितना 20%, तो 100 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 20% यानी 120 हो जाएगी, आय तो इतनी बढ़ गई, फिर क्या कह रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है पर, और बचत में 15% की वृद्धि होती है, पहले बचत कितना था 28, 28 में 15% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 28 का 115% यानी 128 गुणे 115 बटे 100 यही तो होगा, इसका गुणा कर लो 115 अगर 30 बार जाता तो कितना हो जाता 300 और 15 × 45 है ना, तो 3450 हो जाता, उसमें से 15 × 30 230 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका जो पूरी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 3220 लगभग, नीचे 100 है तो यहाँ पे दशमलव लेके चला जाएगा, थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ वरना फिर आपका उधर जा रहा होगा, 28 × 115/100 इसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3220 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारी सेविंग की वैल्यू है, तो अभी नई सेविंग जो दूसरा वाला है हम इसे S2 बोल सकते हैं ना, नई वाली सेविंग है, खर्चा हम इनकम 120 है, खर्चा हमारा इतना है तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा 120 माइनस 32.20
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भाई हम अगर इसे करें तो आएगा कितना, इसे माइनस करें तो 87.8 आएगा। हो गया है 87.8 कहां से, 72 से बढ़ के। यही तो पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई। तो व्यय में वृद्धि नहीं निकाल लेंगे, 87.8 माइनस 72 बटे 72 गुणे 100 परसेंटेज में पूछ रहा है, तो यही तो होगा। तो इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15.8 बटे 72 गुणे 100। अभी देखिए यही तो मेन मुद्दा है, इतना तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन मेन कैलकुलेशन ये है। लेकिन ये कितना भी कैलकुलेशन दे, हम इसे क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे और 15.8 को क्या मानेंगे, यहां पे करता हूं मैं, समझिएगा आपको, 16 बटे 72 गुणे 100। चलिए डायरेक्ट अगर हम कर ले, अगर इसे पूरा, हाँ पूरा अगर कर ले तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना जाएगा, 21.94%। 21.94% हमारा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से आया है। अगर हम इसे 16 मान लें, इसे 72 मान लें, तब बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, समझ में आनी चाहिए। 18 जो 72 होता है, इसे 18 कर लेंगे, यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। फिर से बता दे रहा हूं मैं, 16 बटे 18 गुणे 100, 4 से यहाँ पे ऐसे 16 मान के कट करें ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 72 था तो ये 4 चौक 16 और यहाँ पे 18 चौक 72। और भी कट सकता है लेकिन कट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 400 बटे 18 कर लो या कट ही कर लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, 200 बटे 9। सिंप्लीफाई करके आप देख लीजिए तो 9 दूनी 18 20 22 के करीब जाना चाहिए, लेकिन 22 से वैल्यू कम आएगी। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू बढ़ाया है, तो इसलिए 21.9 के आसपास आपका वैल्यू आएगा और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है। तो जब भी क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा लेंदी है तो आप अप्रोक्सीमेशन से कर लिया करो, वहां पे थोड़ा आपका समय बचा देगा, वैल्यू को निरेश ला देगा। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्क था क्योंकि आप चारों ऑप्शन को फिर से देखो तो बहुत क्लोज क्लोज है, 20.20.21.19 है ना, तो 20, 21 और 20.8 और 20.2 ऐसे करके फिगर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, गलती हो सकती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा एग्जाम में अगर ऐसा है तो एक बार डायरेक्ट आप कर लेना, 1580/72 करोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ा फास्ट आप करना सीखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की कुल क्या हुई, वृद्धि या कमी हुई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जैसा भी हम बताते आ रहे हैं वैसे एक्स वाई सक्सेसिव वाला मेथड लगा दीजिए, आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। 10% की कमी हो रही है तो -10, 8% की वृद्धि हो रही है तो +8, -10 × 8/100, यही आपका उत्तर आ जाएगा। माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का 0.8 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2.8 यानी कि 2.8% की क्या कमी आपका आ जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है हालांकि इसकी खपत 8.13% घट गई है ना, तेल की कुल व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। फिर से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्स वाई पे ही पूछ रहा है। तो बोले तेल की कीमत 20% की वृद्धि हुई है, अगर 20% की वृद्धि हुई और खपत 8.13% कम हो गई है, 8.13 को 8 × 3 = 24 एक 25 बटे 3% बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते हैं। तो फिर से एक्स वाई लगा दीजिए, वृद्धि हो रही है 20 की यानी प्लस का 20, कमी हो रही है 8.13 की यानी कि 25/3, माइनस का 20 × 25/3 × 100, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 25 × 100, 4 × 5 = 20, 5/3, -25/3 -5/3 -3/30/3 यानी कि -10, तो 20 - 10 यानी कि 10% का क्या वृद्धि, पॉजिटिव है तो वृद्धि, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये थे हमारे 10 स्पेशल क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर आधारित होते हैं। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब हम उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करते हैं जो आपके UPSC एग्जाम में पूछे गए, खासकर अभी अगर हम लेखपाल के फोकस हो रहे हैं तो लेखपाल के क्वेश्चन ज्यादा होंगे इसमें, UPSC के और एग्जाम के होंगे, प्लस और भी जो TCS कराती है एग्जाम राज्य लेवल पे या केंद्र लेवल पे, उनके अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह होता है। 4-5 क्लास आपका परसेंटेज पे ऐसे ही चलेगा, सारे प्रीवियस ईयर को हम कवर कर लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए। ध्यान रखिएगा हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं जो TCS कराते आ रही, ताकि इसका फायदा ये होगा, पहली बात आपको समझ में आएगा कि TCS कैसे तरीके क्वेश्चन पुट कर रही है, दूसरी बात आप उसके द्वारा पूछे गए अभी तक के सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे, तो अगर वही क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आता है तो आप आसानी से
एग्जैक्टली सीधा आंसर मार के चले जाएंगे। तो आप ऐसे ही ये जो 10 प्लस कोर्स पूरा है उसकी सारी कक्षाएं लेते रहें। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है टीम परीक्षा प्लस द्वारा, बहुत ही मेहनत की जा रही है रमन सर द्वारा, आशीष सर द्वारा, टीम के जितने भी सदस्य हैं, चाहे बैकएंड में है चाहे फ्रंट एंड में है, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। ये समझिए कि आपके साथ जो विश्वास जुड़ा है उसके लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही 499 की लिंक लगी हुई है, 3 महीने तक आपको सारी पीडीएफ दी जाएगी। वीडियो फ्री है, क्विजेस फ्री है, आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए और वहां से सब कुछ फ्री में देखिए। धन्यवाद।